नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के पेपर को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे वो 10 क्वेश्चन थे और जो टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस हैं वो 4 पेजेस यहाँ पर प्रिंटेड हैं। पेपर कोड की अगर हम बात करें तो पेपर कोड है 44351 और आगे चलते हैं यहाँ पर तो पेपर का नाम हमारा हो जाता है इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2024 में आया था। मीन यहाँ पर हम 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। टाइमिंग 2 आवर्स की होती है, जो क्वेश्चन पेपर की टाइमिंग है वो 2 आवर्स की है और जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर है वो 70 मार्क्स है। क्वेश्चन पेपर को कुछ खंड सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें पहला सेक्शन यहाँ पर रहता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर नोट गिवन है, नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और जिसकी वजह से हमारे को जो टोटल मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे। चलते हैं सेक्शन ए में, क्वेश्चन पहला कौन सा दिया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्सप्लेन। इंटरनेशनल मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं इसको एक्सप्लेन करना है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन से आप क्या समझते हैं इसको समझाना है। इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन। मीन यहाँ पर इफेक्टिव इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के प्रभावी विभक्तिकरण के आवश्यक तत्व क्या हैं, उनका आपको वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा गया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। मीन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ब्रांडिंग के महत्व को समझाइए। मीन अंतर्राष्ट्रीय विपणन में या फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग में ब्रांडिंग का क्या महत्व होता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है, ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड ट्रेंड्स। मीन भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों पर एक संक्षिप्त लेख आपको यहाँ पर लिखना है। मीन फॉरेन ट्रेंड्स जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मीन उत्पाद विकास का क्या अर्थ है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अर्थ को समझाना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सिलेक्शन। मीन मार्केट सिलेक्शन के डिटरमिनेंट्स क्या हैं, बाजार चयन के निर्धारक तत्वों का आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो ये टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको दिए हैं जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने थे। इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है। मीन सेक्शन बी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा जिसकी वजह से टोटल जो 2 क्वेश्चन है हमारे वो 40 मार्क्स से हो जाएंगे। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में क्या दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाई इंटरनेशनल प्राइजिंग, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल प्राइजिंग। मीन इंटरनेशनल प्राइजिंग से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से आप क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल प्राइजिंग। और कौन कौन से फैक्टर है जो इंटरनेशनल प्राइजिंग को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो उसको
परिवर्तित करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनका आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देनी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर पूछा गया, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरमेंट। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरमेंट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको लिखना है, एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मार्केटिंग एनवायरमेंट ऑफ कंट्री, और ये किस तरीके से कंट्री के मार्केटिंग एनवायरमेंट से डिफरेंट होता है। हिंदी में अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हिंदी में यहाँ पर कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के पर्यावरण की मूल्य विशेषताओं को बदलाइए और यह देश के विपणन पर्यावरण से किस प्रकार भिन्न होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया था, राइट ए क्रिटिकल एसे ऑन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लानिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लानिंग में आपको यहाँ पर कोई एसे लिखना है। हिंदी में अगर देखते हैं तो हिंदी में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय विपणन नियोजन पर एक आलोचनात्मक निबंध आपको लिखने के लिए कहा गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, इलुसिडेट द इन डिटेल्स स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस एडेप्टेशन। मीन अंतर्राष्ट्रीय वस्तु प्रामीपीकरण से आप क्या समझते हैं और प्रामीपीकरण बनाम अनुकूलन को विस्तार से समझाना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम पेपर में आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आप किसी पेपर की वीडियो चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें।